दोस्तों दैनिक एजुकेशन टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे मेरे चैनल चैनल में नए हो तो प्लीज को को सब्सक्राइब कीजिए और दैनिक एजुकेशन टीवी सपोर्ट कीजिए दोस्तों एक्सप्रेस प्राइवेटाइजेशन बिल अन बजेट द नीति आयोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू बी प्राइवेटाइज्ड But a key panel that is to endorse the names is yet take a final call. The cabinet too has to ratify the draft bill before it is introduced in parliament. The government unlikely introduce a bill is ongoing by the session of parliament and privatization to PSP's official source. Told Financial Express. The Niti Aayog has reportedly suggested the Indian Overseas Bank and Central Bank of India to be privatized. But a key panel that is to endorse the name Yes, take a final call. The cabinet to has to draft bill before introduce in parliament the बजट सत्र विल कंटिन्यू अंटिल अप्रैल आठ देखते हैं दोस्तों हम तो पूरा प्राइवेटाइजेशन को खिलाफ है आखिरकार तीन मंथ तक और एक साल तक पीएसपी बैंक का मींस पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट हुआ है तो क्यों ऐसे सिद्धांत जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसे डिसीजन ले रहे हैं इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज बताइए मेरा राय है हम लोग अपोज करते हैं और अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इंडिया का पूरे भारत का जो कस्टमर है जो आम आदमी है वो इफेक्ट होगा दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए थैंक यू सो मच नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड होगा जुड़े रहिए दैनिक एडुकेशन टीवी के साथ